जी जी आप लोग सरासर जो है कोविड काल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कैसा? देखिए, मैं आपको एक बात इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो अगर मैं खुद को स्वस्थ फील कर रहा हूँ, अगर मैं अपने टेस्ट में कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, तो मास्क का परिचय और मुंह को ढकना कोविड प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, ना कि हेल्थ प्रोटोकॉल है। ये भी आपको समझना होगा। 52% ऑफ द सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस आर ऑलरेडी एक्विटेड विद हाई एंड ग्रीवियस क्राइम्स। उसको रोकना रेबल फाउंडेशन की पहली प्राथमिकता। प्रत्येक एक किलोमीटर के लिए आप 75 पैसे से लेकर 125 रुपए का टोल टैक्स दे रहे हैं। आखिर हम रोड टैक्स भी दें, बाइक खरीदें, गाड़ी खरीदें, फिर हम टोल टैक्स भी दें, तो हमारे ही टैक्सों से बना हुआ सड़क और फिर हमसे जबरन उगाही। ये तभी होगा जब कोई पार्टी मुखर होकर इन चीजों का विरोध करे। सॉरी, देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरा मोटिव मैं जानता हूं, मेरे फाउंडेशन के 15 करोड़ लोग जानते हैं, बहुत जल्दी हम 25 करोड़ होने वाले हैं। हमारा मोटिव अगर कोई पर्सपेक्टिव होता तो मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इलेक्शन में उतर आता। दैट इज नॉट द कंसर्न। एक्टिविस्ट कभी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, मेरा अपना खुद का डिसीजन रहा। हम एक्टिविस्ट है, अगर हम सड़क से आपको संसद तक पहुंचा सकते हैं, तो आपको संसद से पुनः सड़क तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रेबल फाउंडेशन जी। नहीं, मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म में नहीं हूं, लेकिन आपको एक बात समझना होगा, विधानसभा लोकसभा में जब लोग चुनाव लड़ते हैं, सरकारें कौन बनाती है? पार्टियां तो बनाती है, इंडिविजुअल्स तो नहीं बनाते। इंडिविजुअल्स चुनाव लड़ते हैं और हम उन इंडिविजुअल्स के साथ है। डॉक्टर देवेश्वर भट्ट लायंस क्लब के गवर्नर रहे, एक शिक्षित व्यक्ति है, एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, बहुत तरह के व्यापार हैं और बहुत ही नामचीन लोगों में गिनती की जाती है। इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ऑफेंडेड नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना मेरे लिए भी एक गौरवशाली पल है। मैं किसी क्रिमिनल के साथ तो नहीं हूं, मैं किसी देशद्रोही के साथ खड़े होकर फोटो तो नहीं खिंचवा रहा हूं ना, और ये मेरा एक चुनाव भी है, मेरे फाउंडेशन का एक उद्देश्य है। अब उत्तराखंड की बात, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितनी भी पार्टी आती है वो उत्तराखंड का पैसा अपने जगह में लेके चले जाते हैं। आज भी उत्तराखंड बदहाल है। अगर आपके पास सड़कें हैं, प्रत्येक एक किलोमीटर के लिए आप 75 पैसे से लेकर 125 रुपए का टोल टैक्स दे रहे हैं, आखिर हम रोड टैक्स भी दें, बाइक खरीदें, गाड़ी खरीदें, फिर हम टोल टैक्स भी दें, तो हमारे ही टैक्सों से बना हुआ सड़क और फिर हमसे जबरन उगाही। ये तभी होगा जब कोई पार्टी मुखर होकर इन चीजों का विरोध करे। आज केंद्र की शासित जो सरकार है वो तमाम राज्यों में कर रहा है। आपने मेरे से पूछा मैं मोटिव से हट गया हूं, चलिए पत्रकार महोदय मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, केंद्र की सरकार भाजपा की बिहार में इनकी सरकार 100 एम्बुलेंसेज क्यों फार्म हाउसेज में ढके रहे गए और क्यों लोग सड़कों में मरते चले गए? ये रेबल फाउंडेशन का फाइट है। अगर इनके बारे में सवाल उठाना गलत है, इनके बारे में सवाल उठाना पक्षपात है, तो मैं पक्षपाती ही सही, मैं ऐसा ही रहूंगा और आगे भी ऐसे ही काम करता हूं। एक सवाल आपसे जी, क्या रेबल फाउंडेशन जांच काट के पहले अकेले सामने शुरू कर दिया, आज आपके पास 25 करोड़ का फार्मा है, लगता है इसको कहीं कैश करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, गुडविल को कैश करने की जरूरत नहीं है। पैसा गुडविल नहीं लाता, गुडविल पैसा लाता है। मैं फाउंडेशन चलाता हूं, मैं जाके मेडिकल एड प्रोवाइड करता हूं लोगों को, लेकिन केवल मैं नहीं, ये आप सब की ताकत की वजह से। जो लोग कोई दवाई हमें गिफ्ट कर देते हैं, कोई बेडशीट दे दे रहे हैं, कोई खाने की सामग्री दे रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य बिजनेस नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं, और ना ही मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स है। मेरा उद्देश्य इंडिया को क्राइम फ्री बनाना फ्रॉम द बैड गवर्नेंस। हम बागी हैं, बागी कभी सत्ता पक्ष में तो हो नहीं सकते, फिर बगावत करेंगे कैसे, ये समझना हो। जी जी जी, आप लोग सरासर जो है कोविड काल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कैसा? देखिए, मैं आपको एक बात इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पत्रकार महोदय, आपने मास्क पहना है, आपके मास्क की क्वालिटी क्या है, कौन सा मास्क आपने पहना है? पहला, अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ें, उसमें लिखा गया इफ यू आर इन्फेक्टेड यू हैव टू वियर मास्क। अब मैं टेक्निकली आऊंगा आपके साथ जो आपका प्रश्न है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में डिसाइड किया कि N95 मास्क आपके लिए उपयुक्त है। पहले लॉकडाउन में हमारे सैनिटाइजर और हमारे N95 मास्क ये सारे गायब हो गए। आपको समझना होगा आखिर क्यों गायब हुए, और उसके 3 महीने बाद एक ज्यूरिसडिक्शन आती है कि N95 मास्क जो है वो कंपैटिबल नहीं है इस वायरस के लिए। क्या आपके पास ऐसा कोई टेक्निकल मास्क है जो लिखित में ये सर्टिफिकेट देता है कि आप इससे कोविड से प्रोटेक्टिव है? पहला, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्या आज तक WHO ने ये कहा है कि एयर इन्फेक्शन है? अगर है तो पेपर मुझे दीजिए, मैं अपने इम्यूनिटी पे वर्क करता हूँ, लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूँ, एवरीडे आयुर्वेद पे यकीन करता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ और मैं बाबा रामदेव को सपोर्ट करता हूँ इस मामले में, जब उन्होंने बोला था कि आयुर्वेद में उपचार है, केवल यही एक मुद्दा है जहां मेरे बाबा रामदेव जी से मिलता है। तो अगर मैं खुद को स्वस्थ फील कर रहा हूँ, अगर मैं अपने टेस्ट में कोविड पॉजिटिव नहीं हूं,
तो मास्क का परिचय और मुंह को ढकना कोविड प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, ना कि हेल्थ प्रोटोकॉल है। ये भी आपको समझना होगा। अगर मेरा प्रोटोकॉल और मेरा सवाल गलत है तो कोर्ट में भी हमारे चैलेंजेस है। आज तक हमारा जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आरटीआई में क्यों नहीं जवाब आ रहा है? सरकार ने N95 को क्यों कैंसिल कर दिया? सरकार ने बोला था 2 फीट की दूरी मास्क है जरूरी। क्या मेरे पास कोई ये डेटा देगा आज की डेट में कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है आर दे डेड बिकॉज ऑफ कोविड? डू यू हैव एनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर दैट? मैं एक रिसर्च के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और चौड़े में सबके सामने इस बात को करता हूं। प्रोटोकॉल नियम बनाने चाहिए हमारे लिए। जब सरकार ने 2000 और 10000 का चलान बनाया, पत्रकार महोदय तब आप कहां थे? आपने सरकार से यह क्यों नहीं कहा कि 100 रुपए का मास्क है जो आपने पहना हुआ है उसके लिए 10000 का चलान गरीब जनता कहां से भरे जब लॉकडाउन में फैक्ट्रीज बंद थी, आमदनी नहीं थी? तब आपका प्रश्न कहां था? मैं अपने आप में स्वस्थ हूं अगर मैं पॉजिटिव होता हूं। इन ओनली दैट केस आई एम परमिटेड टू वियर द मास्क। आपको शायद ये भी नहीं पता कि यूरोप में जो लोग गाड़ी में घूमते हैं वो मास्क पहन के नहीं घूमते, लेकिन हमारे यहाँ कैमरे लेके चले जाते हैं। क्रिमिनल सड़कों में घूम रहे, लुटेरे सड़कों में घूम रहे, काला धन वाले वापस नहीं आ रहे और पब्लिक को मास्क नहीं पहन रहा है। 2000 के लिए आप कैमरा लेके दौड़ रहे हैं। ये मैं आपके लिए संबंधित नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सरकारी रवैये का उजागर कर रहा हूँ जिससे मैं भी भुक्त भोगी हूँ और आप भी भुक्त भोगी। और सरकार के 10000 लोग खड़े होते हैं वहां इकट्ठा, वो जब अमित शाह जी इलेक्शन करते हैं गृह मंत्री तब ये प्रोटोकॉल टूट जाता है। लेकिन रेबल जैसा एक एक्टिविस्ट जिसके साथ आज 15 करोड़ नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए, उन्हें केवल इसलिए टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर मीम बनाई जाती है क्योंकि हम आम जनता की आवाज के लिए 27 बार जेल जाते हैं। आपका कौन सा मंत्री पब्लिक के सवाल को उठाने के लिए जेल जाता है, जरा बताइए मुझे? क्या ये मेरा बेसिक राइट नहीं है कि औरैया में 25 मजदूर मर जाते हैं कोविड के लिए नहीं, सड़कों में मर जाते हैं। एक औरत बच्चे को जन्म देती है सड़क पे, एक आपके देहरादून की घटना की प्रसव की पीड़ा में वो औरत हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचती है। मुद्दा ये जरूरी है सर, मुद्दा यहां जरूरी है हर भारतीय। आपने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि जब कोरोना में हम लोग घर में थे तो फास्ट टैग को लाने की इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? आपने कभी यह नहीं उठाया पत्रकार महोदय जब हम कोरोना में घर के अंदर थे आई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की क्या आवश्यकता थी? हर जगह हमसे लूटा गया। इस केंद्र की सरकार और भाजपा की सरकार ने तरह तरह की योजना बनाई हमसे पैसे वसूलने की। आखिर आप क्या हम अपने शरीर का रक्त का एक एक बूंद भी दे दें तब जाके ये मानेंगे? ये लड़ाई भारत के अस्मिता का है, 100 करोड़ 135 करोड़ भारतीयों का अधिकार का है और उस तरह अधिकार का है जो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। और माननीय पत्रकार महोदय अब तो पत्रकारों को भी जबरदस्ती मुकदमे 124A के अंतर्गत, राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत, देशद्रोह के अंतर्गत बंदी पुनिया मेरे और आपकी तरह एक पत्रकार से जिसे माननीय हाईकोर्ट ने बरी किया लेकिन सरकार ने जेल में डाला, दिशा रवि को जेल में डाला टू लीड के मामले में। आखिर लड़ाई तो जज्बात की लड़ाई है, देश की लड़ाई। जी सॉरी, आपने क्या कोई पार्टी बैन करी आज? नहीं नहीं, मैं आप आज ये जैसे यहाँ पे इनके सदस्य जब याद कर रहा आपका यहाँ पर ऐसे देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। क्या एज एन इंडिविजुअल, एज ए व्यक्ति विशेष, क्या मैं कहीं जा नहीं सकता? सोशल नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आपने सवाल है तो जवाब तो मेरा होगा, जवाब आपको तो होगा नहीं पत्रकार महोदय। अगर मुझे कोई विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया जाए, आप थोड़े लेट से आए, इन्होंने बोला कि रेबल सदानंद हमारे विशेष अतिथि। अब अगर आपको मेरा विशेष अतिथि होना बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।